की आवाज। आणंद जिल्लाना तत्कालीन कलेक्टर डीएस गढ़वीना वायरल थयेल बीभत्स वीडियो बाबते अहेवालो मीडिया में प्रसारित थया हता। जे अनुसंधाने सरकारी कचेरीओ में स्पाई कैमेरा लगावी वीडियो लीधेल होवाथी गंभीरता ने ध्यान में लईने पोलीस महानिर्देशक अने मुख्य पोलीस अधिकारी गुजरात राज्य गांधीनगर द्वारा एक गुप्त इन्क्वायरी एटीएस ने सौंपवामां आवी हती। जे इन्क्वायरी ना कामे टेक्निकल एनालिसिस तेमज लीधेला निवेदनो अंगे पोलीस इंस्पेक्टर जीपी रोजियानाओ द्वारा तत्कालीन निवासी कलेक्टर केतकीबेन व्यास, तत्कालीन चिटनीस टू कलेक्टर जयेश पटेल तेमज खानगी व्यक्ति हरीशभाई चावड़ा द्वारा समग्र आ कांड क्रम में आवेल होवानुं फलित थता तेओ विरुद्ध में आणंद टाउन पोलीस स्टेशन में गुनो नोंधवामां आव्यो छे। अने साथे ज आईपीसी नी कलम 389 120 बी 354 सी तथा आईटी एक्ट नी कलम 67A 66E मुजब गुनो नोंधायो छे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आनंद जिले में एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो कलेक्टर के ऑफिस का था। उस बात की जो गंभीरता थी उसका संज्ञान लेकर सरकार और हमारे गुजरात राज्य के डीजीपी श्री विकास सरकार के द्वारा एक गुप्त इंक्वायरी एटीएस को दी गई थी, जिसके अनुसंधान में उन्होंने तपास की, एक इंक्वायरी की तपास की और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस स्टेटमेंट्स और टेक्निकल इंटेलिजेंस एनालिसिस से उन्होंने इस इंक्वायरी को एक सफल अंजाम दिया है और उसके अनुसंधान में उन्होंने एक फरियाद दाखिल कराई है एटीएस पीआई जेपी रोजिया द्वारा। जो फरियाद है वो आनंद टाउन में दाखिल की गई है। इसमें कलम है 389 120 B 354 C 67A 66E और इसकी तपास है वो हमने अभी एलसीबी को दी है। इस पूरी घटना में तीन जो मुख्य आरोपी हैं उनका रोल सामने आ रहा है। केतकी व्यास जो तत्कालीन आरएसी थी, रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर, चिटनीस टू कलेक्टर जयेश पटेल और जो जयेश पटेल के एक मित्र थे हरीश भाई चावड़ा, उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि कैसे कलेक्टर के कैमरे में स्पाई कैमरा हम इंस्टॉल करके उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग का यूज़ करके इसको उनको ब्लैकमेल करेंगे और जो उनकी एक जितनी भी फाइल्स हैं जमीन की मैटर की उसमें आर्थिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें जयेश पटेल और ये हरीश चावड़ा ने मिलकर जो कैमरास थे वो ऑर्डर किए थे और जो कलेक्टर के चेंबर और एंटी चेंबर में इंस्टॉल किए थे और उन्होंने इस हनी ट्रैप के लिए उन्होंने एक महिला का भी आयोजन किया था, जिसके जो वहाँ पे बार बार गई उसकी भी फुटेजेस उन्होंने ली थी और उसके अलावा जो फुटेज आप देख रहे हैं वो एक अन्य महिला की है जो भी इसमें आ गई थी। इसको यूज़ करके उन्होंने जो तत्कालीन कलेक्टर थे गढ़वी साहब उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बट वो पूरा अटेम्प्ट असफल रहा और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को उनको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर बदनाम करने के हेतु से उस जो सारी क्लिप्स थी उनको मीडिया में सर्कुलेट। सर जयेश पटेल के साथ दूसरा कौन था आपने बोला? हरीश चावड़ा। जयेश पटेल और हरीश चावड़ा। हाँ। सर ये जो क्लिप आई है वो 9 तारीख को आई है और 8 तारीख को केतकी व्यास की भी इसमें आ गई थी। इसको यूज करके उन्होंने जो तत्कालीन कलेक्टर थे गढ़वी साहब उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बट वो पूरा अटेम्प्ट असफल रहा और उसके बाद उन्होंने उस चीज को उनको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर बदनाम करने के हेतु से उस जो सारी क्लिप्स थी उनको मीडिया में सर्कुलेट। सर जयेश पटेल के साथ दूसरा कौन था आपने बोला? हरीश चावड़ा। जयेश पटेल और हरीश चावड़ा। सर ये जो क्लिप आई है वो 9 तारीख को आई है और 8 तारीख को केतकी व्यास की जिला से बाहर बदली होती है, तो उसमें क्या लग रहा है कि इंटेंशन के साथ कलेक्टर को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है? कलेक्टर को बदनाम करने की भी हो सकती है, उनको ट्रांसफर कराने की भी हो सकती है। ये जो धमकी दी, अगर उसके अनुसंधान में जो उन्होंने उनकी धमकी जो उनकी डिमांड था उनका पालन नहीं किया, इसके अनुसंधान। सर वो महिला थी वो कौन थी मालूम जी? महिला वीडियो में थी वो? जी वीडियो में नहीं, उसका नाम अभी तक बाहर नहीं। एक बात ऐसी भी है कि जो केतकी व्यास है उसके हस्बैंड ने पुलिस डिपार्टमेंट में है और ये क्लिप उन्होंने अहमदाबाद से वायरल की,
कि उनके हस्बैंड ने वायरल किया? ऐसा है कि हमारे नहीं, ऐसा अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, एटलीस्ट फरियाद के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे वो कितने लोग जो भी है, तपास का मैटर है। जैसे जैसे तपास एलसीबी पीआई चौधरी में वो करेंगे और कुछ इसमें अन्य लोगों का नाम अगर सामने आता है तो उसकी माहिती हम आपके साथ शेयर। अभी तक तीन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया? अभी तक तीन लोगों को हम लोग, तीन लोगों का नाम इसमें आया जिनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, और टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया है? टेक्निकल सपोर्ट जो हरीश और जयेश ने मिलकर ही टेक्निकली, उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया, इंटरनेट से स्पाई कैमरा, तीन स्पाई कैमरा ऑर्डर किए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी उन्होंने किया था और उसको इंस्टॉल भी उन्होंने ही, जो चीफ मिनिस्टर था उसके कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर कलेक्टर जयेश पटेल, उसकी मदद से उन्होंने इंस्टॉल किया। सर एटीएस के तपास में कोई डिस्ट्रिक्ट के कोई बड़े नेता का कोई नाम अभी बाहर आया कुछ? जी, ऐसा अभी तक कोई नहीं। सर आरोपी ने रजू करवा आने कितना दिवस रिमांड की मांगनी करवा? जी, अभी ये तपास के कितनी तपास है, स्टेटमेंट लेंगे जब हम देखेंगे कि हाँ इतने एविडेंसेस की हमें ज़रूरत है, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं। अभी हमने जस्ट फरियाद लिए, इंक्वायरी की रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी, जब स्टेटमेंट्स लेंगे हमको लगेगा कितने एविडेंसेस की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे नक्की किया जाएगा कि कितने दिन की रिमांड की हमें ज़रूरत है। सर समग्र कावतरू रचाई होने मूल कारण से उनको अपना जो जो पसंद की फाइल्स थी, जो पसंद की डील्स थी, वो चाहते थे कि वो उस अंजाम तक पहुंचे और उसमें जो उनको आर्थिक लाभ मिलता होगा। કાવત્રાના ભાગરૂપે કેતીબેન વ્યાસ તથા જયેશભાઈ પટેલ ના હોય કલેક્ટરની ઓફિસમાં ગુપ્ત કેમેરા ગોઠવીને કોઈ છોકરીને મોકલી તેને પ્રેમભારમાં ફસાવી વિડીયો રેકોર્ડ કરી વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી જમીનના કેસુમની ફાઇલો ક્લિયર કરાવી મળતી રકમને સરખી ભાગે વહેંચી લેવા માટે આયોજન કરેલ જેના ભાગરૂપે જયેશભાઈ પટેલ ના હોય પોતાના મિત્ર હરીશ ચાવડા મારફતે ત્રણ સ્પાય કેમેરા ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરી ઓનલાઇન મંગાવ્યા ડિજિટલ પેમેન્ટ ના માધ્યમથી ખરીદી કરે જયેશભાઈ પટેલ તથા હરીશ ચાવડા દ્વારા એક મહિલાની વ્યવસ્થા આવેલી જેના માધ્યમથી હની ટ્રેપ કરવાનું ષડયંત્ર રચી તેના ભાગરૂપે અલગ અલગ દિવસે મહિલાને મોકલી તત્કાલીન કલેક્ટરની ઓફિસ તથા એન્ટી ચેમ્બરમાં કેમેરા લગાવી રેકોર્ડિંગ કરેલું જે મહિલા સાથે તત્કાલીન કલેક્ટર તથા મહિલા સાથે થયેલ ચીટના સ્ક્રીનશોટ મેળવ્યા હતા કેમેરામાં મોકલેલ મહિલાની સાથે બીજી મહિલા સાથેના વિડીયો પણ સ્પાય કેમેરામાં રેકોર્ડિંગ થઈ ગયા જે બાબતે તત્કાલીન કલેક્ટરે વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી આર્થિક લાભ મેળવવા આર્થિક કેટલીક ફાઇલો ક્લિયર કરવાનું જણાવ્યું તેમજ આરોપીઓ દ્વારા મહિલા મોકલવામાં આવી તેના દ્વારા રેપની ફરિયાદ કરવાની ધમકી આપી પરંતુ તત્કાલીન કલેક્ટર તાબે ના થતા આ વિડીયો મીડિયામાં પેનડ્રાઈવ મોકલીને વાયરલ કરી દીધા હતા આ ગુનાની તપાસ આણંદ એલસીબીને સોંપવામાં આવી છે આણંદથી બસર ચિસ્તીનો રિપોર્ટ